हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मोहम्मद असर, मैं हूं बशीर सुगैज। आज की का टाइटल है भारत में चार मुस्लिम बहनों को शिव तांडव और भजन गाते देख पाकिस्तानी भी हुए हैरान। ये वीडियो का टाइटल है, मतलब चार बहनें जो शिव तांडव भी गाती हैं और साथ में भजन भी गाती हैं। तो यार काफी शॉकिंग है, मतलब यार ये फिर इंडिया की एकता में अनेकता है, वो जो कहते हैं डाइवर्सिटी है, देखो इस लेवल पे भाई। तो क्या हुआ सारा कुछ देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। वे फॉर यू का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट। वही ये मुस्लिम बहनें जब श्री सियाराम के लिए इसे गाने गा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे राम, ये भजन है भाई। मेरे मन में बसे हैरा, मेरे तन में बसे हैरा। मुस्लिम बहने या मुस्लिम कोई लड़की इस तरह से राम जी के लिए गाना गा रही हो, ये भारत में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। सही बात, ये भारत में हो सकता है, ये बात है। हनुमान गुसाई कृपा करो महाराज। साहिना खातून नाम है, हनुमान जी का भजन गाती है, जय 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 हनुमान गुसाई। तो कभी कोई रोका नहीं कि ये मुस्लिम धर्म की बच्चियां हो तो तुम जो है काहे हिंदू देवी देवताओं के गाना गाते हो? जी नहीं, कोई नहीं रुका है। जब माँ बाप पीछे खड़े हैं तो दुनिया रोकेगा तो रुकने से क्या फायदा, हम अपना तो चलते रहेंगे। ये दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी बार विनती बारंबार। संजीदा खातून, साहिना खातून, नैन्सी प्रवीण और साहिस्ता प्रवीण, ये चार बहनें हैं और चारों से आप अभी हनुमान जी का भजन सुन रहे थे। धार्मिक एकता का सबसे बड़ा मिसाल, और वही इसीलिए तो कहते हैं अपना देश महान है। यहाँ चार मुस्लिम बहनें, सही बात है। क्या नाम है आपका? साहिस्ता प्रवीण। साहिना खातून। संजीदा खातून। नैन्सी प्रवीण। ये चारों शानदार भक्ति गाने गाते हैं, और ऐसे गाने जिसको आप सुने तो लगे इसके पीछे में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का जरूरत नहीं है, ऐसे ही शानदार गाने गाते हैं और गाती रहे और हम सुनते रहे बिना देर की। आपको शिव तांडव सुनवाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जय काकटा हसम भ्रमन भ्रमन लीन पनिर झरे विलोल बीचि वल्लरी विराज मगन मुरधनी धगत 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 ज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षणम नमा। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा उछाया, उसके बुझाए बदले कथाए, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र। बड़ी प्यारी बात है यार, ये पैंड नहीं है ना भाई, उसी से बनाया गया था वो। धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधु रस पुरत गंध संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरोध दुर्धरा पति वचित दिगंबरे मनो विनोद हेतु वस्तुनी जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फनामनि प्रभ कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलित दिग्वधूमुखे मदान सिंधुर स्फुरत गुप्तरीय मेधुरे मनोविनोद मृत विभर्तु भूत भर्तरी। चारों का एक साथ लगता है ऐसे कि कोई रिकॉर्डेड सिस्टम हो और एक साथ प्ले किया और बजने लगा, तो इतना तारतम्य कैसे है सबका, आपस में कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? सर एक्चुअली में कि हम फर्स्ट में तो इसको हम ही गाए हैं, सब प्रैक्टिस तो हम लोग सब मिल के ही किए हैं, तो एक्चुअली में हम गाते थे तो ये लोग को ईजी भी लगने लगा, तो ये लोग भी मेरे साथ में गाता रहा लोग, तो जब सुनील भैया बोले एक साथ में इसको करना है तो एक दिन में ही सब हम लोग प्रैक्टिस कर लिए लोग, बिल्कुल साथ जोड़ के इन्होंने गाया, तो ऐसे हो गया। सब अलग अलग क्लास में पढ़ती है, 12th में, 8th में,
सबसे बड़ी बात तो ये क्लास टू में पढ़ती हैं और इसको पूरा शिव तांडव याद है। और एकदम जब शुरू हुआ तो हम लोग को लगा कि ये चलता रहे। तो सही बात, कभी परफॉर्म करने भी कहीं जाती हैं आप लोग या फिर खुद प्रैक्टिस ही कर रही हैं? अभी तो कोई शो हुआ नहीं, हम लोग बहुत सारे परफॉर्मेंस किए। हमारे गांव में भी बहुत सारा परफॉर्मेंस होता रहता है, SSB कैंप, पूजा प्रोग्राम होता है। और मैं एक क्या बोलते हैं वो डिफरेंटली स्पेशल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी बहुत जगह जाने का मौका मिलता है। देही हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोरे गरीबो को, जो तुम से नहीं जात है तारो। जय 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 हनुमान कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो महाराज कृपा करो। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये था यार, कितनी यार टैलेंटेड है। और बाकी यार इन्होंने जो शुरू पे बात की है ना, ये चीज सिर्फ भारत में ही देखने को मिलती है। यही बात है, लाजमी बात है यार। मैं एक सच बात बोलूं ना, अक्सर जिस तरीके से मैंने अब इन दिनों तो मैं कुछ ज्यादा ही देख रहा हूँ। अभी पिछले एक दो दिन पहले राम भजन आया, कोई मुस्लिम लड़का था उस्मान मीर के उसामा मीर, मैं बोल रहा हूँ, वो राम भजन गा रहा है। अच्छा उसके बाद वो एक जिनके वीडियो पे हमने उन लेडी का नाम भूल गया था, ये बहुत ज्यादा यार वही उनसे पूछा गया ना कि आप किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहता जब माँ बाप साथ हो हमें कौन जो है ना। देखो यार ये फिर इंडिया में जो है ना, मैंने कितनी बार देखा है हिंदू जो है ना वो मुस्लिम्स के त्योहार में जा रहे होते हैं, और जो मुस्लिम्स है वो हिंदू का त्योहार में जा रहे हैं। या बच्चों के वो शो वगैरह नहीं होते, मतलब ये कुछ जो स्टेज पर शो होते हैं स्कूल्स में, हाँ उसमें जो हिंदू अक्सर मुस्लिम के रोल में आ जाता है और अक्सर जो मुस्लिम है वो हिंदू के। तो ये मतलब जो इंडिया की है ना, ये मैं कहता हूँ इस तरह की एकता आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी भाई यार। आप काफी सारे तुम जगहों पे देख लो, वही बात दोबारा ये देख लो, ये पहले इन बच्चे को देख लो, मस्जिदों के लिए जो है ना हिंदू पैसा दे रहे हो। मैंने कितनी जगहों पे देखा है मुस्लिम, जहाँ पर एक मस्जिद है लेकिन उधर मैंने एक गांव इंडिया में देखा था जहाँ पर एक वो हिफाजत करते हैं और उसकी हिंदू हिफाजत करते हैं, उसकी साफ सफाई सब साफ सफाई, ये बड़ी बात होती है यार। ये फिर बात होती है तो यार ये मानना पड़ेगा। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? और यार बाकी ये सिर्फ भारत में देखने को मिल सकता है। अपना बहुत ज्यादा का इसका रखिएगा।